अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FBR की पॉइंट ऑफ सेल स्कीम यानी POS स्कीम की नवीं कुरानंदाजी हो चुकी है। 1007 अफराद के नाम सामने आ चुके हैं, लिस्ट जारी कर दी गई है। उन 1007 खुशनसीब अफराद के दिन के दरमियान 5,30,00,000 रुपए के कैश इनामा तकसीम किए जाएंगे। इस वीडियो के अख्ताम पर इनामी रकम किस तरह हासिल की जाएगी उसके मतलब तफसीलात भी बताऊँगा। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको दे दूँगा, जहाँ से जाकर आप ये 15 सितम्बर को होने वाली जो कुरानंदाजी है उसकी लिस्ट देख सकेंगे, डाउनलोड करेंगे। आपके सामने PDF आ जाएगा, इस PDF को आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपके सामने 1007 अफराद का इनाम नाम आ जाएंगे। पहला इनाम 10,00,000 रुपए का एक फर्द को दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर 5,00,000 रुपए के दो इनामात हैं। तीसरे नंबर पर 2,50,000 के चार इनामात हैं और चौथे नंबर पर 50,000 के 1,000 इनामात हैं। कुल 1,007 इनामात हैं। अफसर इमाम रहमत शीरी जगह से इन्होंने शॉपिंग की थी, 10,00,000 रुपए का इनाम जीता है। दूसरे नंबर पर इरम आबिद हैं, PCC एक्सपेक्ट से इन्होंने 5,00,000 का इनाम जीता है। अब्दुल कादिर हैं, इम्तियाज़ प्रोविजन स्टोर से 5,00,000 का इनाम जीता है। मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद अमानुल्लाह खान, आमिर हसीब मलिक और मोहम्मद नदीम हसन गोहर ने 2,50,000 रुपए के इनाम जीते हैं। बाकी ये जो लिस्ट है ये 50,000 जीतने वाले 1,000 खुशनसीब अफराद की है। टोटल 1,007 अफराद हैं जिन्होंने कुरानंदाजी में 5,30,00,000 रुपए के इनामात जीते हैं। यहाँ पर मेट्रो पाकिस्तान भी है जो अलग से 10 खुशनसीब अफराद के दरमियान 1,00,000 रुपया तकसीम करती है। एंड पे उनकी भी लिस्ट मौजूद है कि जिन्होंने मेट्रो से शॉपिंग की थी और उनकी ये लिस्ट है। ये खुशनसीब भी 1,00,000 रुपया सबको मिला है। इसमें तलाश करने का आसान तरीन तरीका है, जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये फाइंड का ऑप्शन मौजूद होता है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं या आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अनस के नाम से एक ही नाम है, अनस अली, जिसने खादी से शॉपिंग की थी। तो इस दफ़ा मेरा इनाम नहीं निकला, अलबत्ता मेरा अवलिन कुरानंदाजियों में नाम निकला था जिसको मैंने कैश करवाया था। आपका एक एतराज़ आ रहा है कि हमारा कुरानंदाजी में नाम निकला है लेकिन अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो आपको गुजारिश है कि 90 दिन का अरसा आपने इंतज़ार करना है। और जिनको आज कुरानंदाजी में जिनका नाम निकला है और पिन कोड मौसूल नहीं हुए, तो उनको बता दूँ कि पिन कोड का इंतज़ार न करें, जल्दी से बायोमेट्रिक वाली किसी भी सहूलत दुकान पर जाएँ, वहाँ पर आपने FBR वाली कुरानंदाजी की बायोमेट्रिक करवानी है। सिंपल बायोमेट्रिक नहीं करवानी, बायोमेट्रिक करवाएं, IBAN नंबर अपना देना है बैंक का और आपको 90 दिन का अरसा इंतज़ार करना है। उसके बाद अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो मेरे चैनल पर आएँ, कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछें, मैं आपको तरीका बताऊँगा कि पैसे हासिल कैसे करने हैं। रिज़ल्ट देखें और अगले महीने इंशाल्लाह दोबारा कुरानंदाजी होगी। 1 सितंबर से लेकर 30-31 सितंबर तक जो भी आप शॉपिंग करेंगे, इसकी कुरानंदाजी 15 अक्टूबर को होगी इंशाल्लाह। उसके रिजल्ट्स भी मैं मुकम्मल तफसील से आपको दूंगा। हुकूमती स्कीम्स हो, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हो, नेशनल सेविंग सेंटर हो या कोई भी हुकूमती स्कीम हो, उसके मतलब तफसीलन इन्फॉर्मेशन आपको फराम की जाती है पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से। इंजीनियर मलिक ने उसको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और देखिए कि इनामी रकम अपने अकाउंट में कैसे हासिल करते हैं। FBR POS की पहली कुरानंदाजी में इनामात जीतने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद। टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए इनामी रकम वसूल करने का तरीकाकार। अपनी टैक्स आसान मोबाइल ऐप में प्राइस ड्रॉ का लिंक खोलें, इसके बाद FBR से SMS के जरिए मौसूल होने वाला पिन कोड यहां दर्ज करें। पिन कोड की वेरिफिकेशन के बाद करीबी नादरा ई सहूलत सेंटर जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं। आखिर में अपने बैंक अकाउंट का IBAN यहाँ दर्ज करें। इन मराहिल की कामयाब तकमील के बाद इनामी रकम जल्द ही आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। SMS कोड 9966 के जरिए इनामी रकम वसूल करने का तरीकाकार। पहला मरहला, FBR की जानिब से SMS के जरिए भेजे गए पिन कोड की तस्दीक। तस्दीक के लिए मैसेज में टाइप करें PIN, स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। दोबारा स्पेस देने के बाद वसूल शुदा पिन कोड दर्ज करके 9966 पर SMS करें। दूसरा मरहला, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। करीबी नादरा ई सहूलत सेंटर जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं। तीसरा मरहला, अपने बैंक अकाउंट के IBAN नंबर की फराहमी। मैसेज में टाइप करें IBAN, स्पेस दें, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें और दोबारा स्पेस देकर IBAN नंबर लिखें और 9966 पर SMS करें। इन मराहिल की कामयाब तकमील के बाद इनामी रकम जल्द ही आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी।